आज हम ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। जी हाँ, आप उनको जानते हैं, आपका चहेते गायक कुमार संतोष जी। अच्छा सर, आपका जन्म स्थान कहाँ है, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं भोजपुरी गायक कुमार संतोष नया साल के लिए हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ, और नया साल में आपको ढेर सारी खुशियाँ आए, यही मैं कामना करता हूँ। मेरे प्यारे भाई, छोटे बड़े सभी भाई, सभी जो मेरे दिल में बसते हैं, उन्हें शत शत नमन करता हूँ। देखिए भैया, हमार जन्म स्थान पटना रहे, ओकरे बाद हम सब लखीसराय गेनी, ओकरे बाद फिर पटना एनी, फिर तो दिल्ली पटना बॉम्बे के चक्कर सब तो जानते बानी। कैसेट तो अभी कर ही रहे हैं, भोजपुरी फिल्म में भी डबिंग सब काम कर रहे हैं, और हम अपने नए गायकों के लिए, गायिका के लिए बहुत सारा काम किए हैं। सभी को आगे बढ़ाते हैं और सारा कैसेट हम सब का निकलवाते हैं कम से कम में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, हम लोग सब प्रेम से काम करते हैं, तो इस वजह से सारा काम सिंगर को बहुत अच्छे क्वालिटी में म्यूजिक हम लोग दे रहे हैं, और वेस्टर्न म्यूजिक दे रहे हैं, जो कि सारे मेरे जितने सिंगर आते हैं हमारे स्टूडियो में सब बहुत खुश रहते हैं, और उनका प्रोजेक्ट हम बेहतर तरीके से करके देते हैं, और अच्छे कंपनी से रिलीज कर करके मास्टर को सुपुर्द कर देते हैं। इससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। अगर हम चैरिटी शो में चले जाते हैं तो हमारे स्टूडियो में सब सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सभी लोग हैं, सब बढ़िया से मिक्सिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, अच्छे तरीके से गवाते हैं, इसलिए हमारे सिंगर काफ़ी खुश रहते हैं हमारे स्टूडियो से। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में आपकी धमाकेदार एंट्री तो हुई है, लेकिन कब हुई है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरे गायकी का जज्बा बहुत बचपन से था। जब हम स्कूल में जाते थे तो सभी लोग, मेरे साथी लोग, हम स्कूल से निकल जाते थे और उसके बाद चले जाते थे आम के बगीचे में, और वहाँ कॉपी किताब ही उसको बजा कर करके सॉन्ग को अंजाम देते थे और सबको गाते थे। और सॉन्ग म्यूजिक में हमारा रुझान बचपन से ही था, और क्लास नहीं करते नहीं थे, अटेंडेंस बना करके चले जाते थे, और जब एग्ज़ाम हुआ तो अपने मन से सारा एग्ज़ाम लिख दिए। इतना हम जानते थे कि एग्ज़ाम में हमको क्या लिखना है, और वो हम लिख देते थे, मन से लिखते थे। हम पढ़ते नहीं थे, न पढ़ाई बढ़िया से किए, न कॉपी किताब हम देखे हैं, न पढ़े हैं, एक एक लाइन कुछ नहीं पढ़े हैं, खाली अपने मन से लिख देते थे, हम पास हो जाते थे। लेकिन मेरा हॉबी बचपन से ही रहा है, और जब मैं 18 साल का हुआ तो चैरिटी शो करवाने लगा बालू साइड में, उसके बाद से सफ़र स्टार्ट हो गया। तो सब लोग सजेशन दिए कि क्यों नहीं आप कैसेट बनाते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है। तो हमको तो मालूम ही नहीं था कि हम क्या हैं, हमको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन सब लोग जो बोले तो हमको भी लगा कि बात लगता है सही होगा। तो हम एक कैसेट बनाए तो हमको भी मालूम पड़ गया कि मेरी आवाज़ अच्छी है, हम सिंगर अच्छा हैं, इसलिए फिर सिलसिला चालू हो गया। तो फिर तो बहुत सारा कैसेट आने लगा, फिर स्टेज भी बहुत सारा किए, यूपी बिहार बहुत सारा जगह, सब जगह किए। अच्छा, इसके पहले आप बिजनेस भी करते थे क्या? हाँ, बिजनेस तो करते थे, लेकिन पिताजी के साथ करते थे, और पिताजी के जाने के बाद भी 5 साल हम बिजनेस किए, लेकिन पहले से भी संगीत लाइन में करते रहे थे। अब बिजनेस क्या था, वही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम था, बहुत टेंशन वाला काम था, और मेरा मन तो लगता नहीं था, इसलिए हम बचपन से ही सिंगिंग सिंगर थे, मेरा जेहन में कुछ ऐसा था, इसलिए लगता होगा मन नहीं लगता होगा। लेकिन बहुत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस किए, नेपाल से अपना माल मंगाते थे, डालडा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बना करके हमने किया काम, लेकिन मन नहीं लगता था, इसलिए कुछ दूसरे ही भगवान को दूसरा ही चीज़ मंजूर था, इसलिए मन नहीं लगता था, इसलिए आज मैं आपके बीच हूँ। अच्छा सर, आप अपना कैसेट का कोई नगमा हमारे दर्शकों को बताएं। अभी तो म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक बजता है तो अच्छा रहता है। खैर चलिए बता देते हैं। दुख इतने बाकी, तहरा से प्यार हो गई, हंसत खेलत जिंदगिया बेकार हो गई, रहे दिल के तमन्ना ओ दिले में रहल, अपना कह के पराया
दिलदार हो गई कि हम हूँ निहारी तोह के आ हम रो के देखल करा। हम हूँ निहारी तोह के आ हम रो के देखल करा। रस प्रेम के पियादा, रस प्रेम के पियादा उठबा से पियल कर। आ हम हूँ निहारी तोह के आ हम रो के देखल कर। हम हूँ निहारी तोह के आ हम रो के देखल कर। नैना कटर बाटे दिल के करे लघायल, नैना कटर बाटे दिल के करे लघायल। हम हूँ जिहिल तोह से आ हमरो से जियल कर। हम हूँ जिहिल तोह से आ हमरो से जियल कर। हम हूँ निहारी तोह के आ हमरो के देखल कर। एक गाने और मेरे ऑडियंस को पसंद आई और अच्छा पॉपुलर रहा, जो टी सीरीज से आया था, कि सती नारी की हो, कि सती नारी की सत है महान हो, जिसे हार गए हैं भगवान हो, जिसे हार गए हैं भगवान। सती नारी की सत है महान हो, जिसे हार गए हैं भगवान हो, जिसे हार गए हैं भगवान। सती यानी नारी की सत है महान हो, सती यानी नारी की सत है महान हो, कि सती नारी की हो, असती नारी की सत है महान हो, जिसे हार गए हैं भगवान हो, जिसे हार गए हैं भगवान। इस इंटरव्यू के लिए आप समय दिए हैं, इसके लिए आपका थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू।